हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया है। आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें हमेशा। और वीडियो का थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करूंगा। दोस्तों, मुझे काफ़ी दिनों से पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था। तो वो ज़्यादा नहीं हो रहा था, हल्का फुल्का हो रहा था। तो मुझे कुछ लग रहा था कि मैं अपना अल्ट्रासाउंड या कुछ चेकअप वगैरह कराऊँ। जैसे मेरे पास टाइम निकला तो मैं पहुंचा। मैंने कहा कि लाओ अच्छा अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ, देखता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। तो मैं जब अल्ट्रासाउंड करवाने पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मुझे पित्त में पथरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन बताया, और ये भी बताया कि ये किसी या इलाज से नहीं जाएगा, इसका सीधा सा एक ही उपाय है ऑपरेशन का। जब भी जाएगी ऑपरेशन से जाएगी, ऐसे कभी नहीं जाएगी। तो ये बात सुन के थोड़ा तो टेंशन हुआ ही, क्योंकि कभी ऑपरेशन करवाया नहीं मैंने, और ऑपरेशन में कितना दर्द होता है लगता है ये कुछ पता तो था नहीं। ये तो बाद में पता चला, लोगों से मिलके बात की, बताया लोगों को अपने दिक्कत के बारे में, तो सब लोगों ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, अब तो दूरबीन वाला ऑपरेशन चला है, उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो घर वालों को फ़ोन किया, बताया अपने बड़े भाई साहब को और वाइफ को, तो सबको टेंशन हो गई। अब सही से आवाज़ नहीं निकल रही फोन पे। हम फिर घर आए, घर में आके सबको समझाया कि हम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 80% लोगों में ये समस्या आ रही है। दोस्तों, ये जो समस्या है ये पता है, ये हम लोगों की खाने पीने की वजह से आती है, जो गलत खान पीन है हम लोगों का, फास्ट फूड का, ये तली भुनी चीज़ें होती हैं, और ये सही से डाइट फॉलो ना करना है ना, देर तक जागना, देर से सोना, देर में उठना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम लोग खाने पीने पे बहुत कम ध्यान देते हैं, जहाँ पाया वहाँ खा लिए, है ना। ये जो जुबान है ना, जुबान का स्वाद नहीं बदल पा रहे हैं हम लोग, है ना। जुबान जो मांग रही है उसको दे रहे हैं यार, जुबान तो स्वाद मांगती ही है यार। हमको अपने शरीर को मेंटेन रखना है, शरीर के हिसाब से चलना है, अगर शरीर रहेगा तो सब रहेगा, है ना। इसलिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो कुछ नहीं, वीडियो नहीं पढ़ पा रही थी और अब पढ़ेंगी फ़िलहाल। ये तो दिक्कत आती जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस पे ज़्यादा, पहले तो मैं डर गया था, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने डाइट मेंटेन कर ली है। और करीब 1 हफ्ते हो गए, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते हो गए हैं मुझे डाइट को मेंटेन करते हुए, और अब तो पहले से ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, फैट भी मेरा कम हो रहा है। आप चेहरे पे मेरे काफ़ी जो है यहाँ पे फैट जम गया था, जिसे लग रहा था उल्टी सीधी खाने की वजह से, अब बिल्कुल चेहरा भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है हमको। और हम गए थे ऑपरेशन के लिए बात करने डॉक्टर साहब से, और दिखाया भी उनको रिपोर्ट वगैरह, तो कह रहे थे कि अभी नहीं हो पाएगा ऑपरेशन, क्योंकि अभी जो है पथरी आपकी छोटी है और ये जब बड़ी होगी तभी हो पाएगा। तुमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं सबसे पहले, है ना। अगर कोई समस्या का हल निकलता है, हालांकि इम्पॉसिबल है, मेडिकल साइंस तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करेगी कि बिना ऑपरेशन के पथरी निकल सके, लेकिन फिर भी जो फॉलो करने वाली चीज़ें उनको मैं फॉलो करूँगा, कोशिश करूँगा कि अगर स्टोन निकल आए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर तो निकलवाना तो है ही है, अभी छोटी भी है। और सर्दियों में ठीक रहेगा, मेरे जो सरदार पटेल हॉस्पिटल के जो मेरे भाई आकाश भाई हैं, उन्होंने भी सलाह दी है और डाइट के बारे में भी बताया, अच्छी जानकारी दी उन्होंने। उन्होंने भी समझाया कि अभी मत निकलवाना, अभी टाइम नहीं है फिलहाल, उनको रिपोर्ट मैंने दिखाई थी, तो भी कह रहे थे कि अभी नहीं, उधर ठंडी में निकलवाना। तो आखिर वो डॉक्टर हैं, मुझसे ज़्यादा नॉलेज हर एक चीज़ की है, तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, सही बताएंगे, गलत लाइन नहीं बताएंगे वो, तो उसी हिसाब से अब चल रहे हैं। मेन चीज़ डाइट होती है, डाइट को मेंटेन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है। आप लोग वैसे भी करिए अगर, क्योंकि मेन लीवर होता है हमारा, सबसे मेन लीवर होता है, लीवर मेंटेन रहेगा तो सब मेंटेन रहेगा, मेन लीवर होता है, तो लीवर को आप लोग स्वस्थ बनाइए, डाइट फॉलो करिए। और जो मेन बात है दोस्तों कि आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, आप लोगों को काफ़ी हंसा रहे थे, अब नहीं हंसा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहे जिस समस्या में रहूं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ है, जो मेरा इंस्टाग्राम है उस पर मेरे ख्याल से मेरी वीडियोज़ नहीं उठ रही हैं,
वो मेरे हिसाब से मेरा अकाउंट वो फ्रीज हो चुका है, इसलिए मैंने एक दूसरा अकाउंट बना लिया है, आपको साइड में दिख रहा होगा। आप लोग वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए और यूट्यूब में भी आप मेरा सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ, आपको एंटरटेन कर सकूँ। आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए और आप ही लोगों के सहारे मैं चल रहा हूँ, आप लोगों का ही सपोर्ट है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे जैसे मेरा अगर ट्रीटमेंट हो रहा है या ऑपरेशन के बिना मेरा इलाज सफल हो रहा है, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ, और फिर भी नहीं हुआ तो ऑपरेशन तो एक चारा ही है, करवाएंगे, अभी उसका टाइम नहीं है, इसलिए सर्दियों में करवाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा उसमें। तो गाइस मिलते हैं, आप लोग खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारा सपोर्ट करिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। बाय बाय।